शौकत अली राजस्थान में किधर है आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से अभी श्याप भाई को मुलाकात करने के लिए आया है? हाजी साहब को मुलाकात करने के लिए आया। वो राजस्थान में आदमी है, श्याप भाई के बारे में पता है? सबको पता है, राजस्थान पूरी और राजस्थान को पता है। पूरी राजस्थान से आपको दुनिया को पता है? दुनिया को पता। हाँ, आपका जगह? मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान वो राजस्थान अभी श्याप का को इंतजार करता है? राजस्थान में वही पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर के टच में, पाकिस्तान बॉर्डर जो मुनावा बॉर्डर है वहाँ टच से। अच्छा, वो ये करीबन 600 किलोमीटर आए, 600 किलोमीटर का आपके यहाँ आए। अच्छा, हाजी साहब को मुलाकात करने है। और वो श्याप भाई को कुछ कहना है राजस्थान मुलाकात करने के और राजस्थान सब दुआ मांग के आए, बस उनको दुआ करने की और क्या, अब दूसरा मुलाकात करने की। और राजस्थान में सपोर्ट मिलेगा? राजस्थान बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। स्वागत करता है श्याप भाई को। अच्छा, श्याप भाई को मिलने के लिए नया गाड़ी लेके आता है? नया गाड़ी लेके आया। जैसा कि दोस्तों नीलेशट वाले भाई साहब ने कहा कि ये 600 किलोमीटर दूर से उन्हें बस मिलने के लिए आए हैं। मुंबई से किधर से आता है? मोड़ासा। श्याप भाई कब मिलने के लिए आए? कब से इंतजार करता है? दो घंटे हुए है मुलाकात हुआ है? नहीं हुआ। आपको क्या कहना है श्याप भाई को? सलाम करना, सलाम दुआ करना, सलाम दुआ करना है सिर्फ। ये वीडियो दोस्तों उस वक्त का है जिस वक्त हमारे श्याप भाई होटल आशीर्वाद में रुके हुए थे और यहीं पर लोगों की भीड़ जमा हुई है उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। क्या भाई आप किधर से? पंचमहल। पंचमहल इधर से कितना दूर है? इधर से 150-200 किलोमीटर। कब तक इंतजार करता है श्याप भाई को? हम करीबन 8-10 दिन से इसके पीछे है। पीछे है, मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है। हालोल से हम इसके पीछे है। हालोल, कालोल, बेजलपुर, गोजरा, सेहरा। अच्छा, कितना दिन हो गया ऐसा पीछे में आके? 10 दिन से पीछे है। और अभी कुछ कहना है श्याप भाई को? ये बच्चे को भी साथ में लेके आए मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाएगी। हो नहीं पाएगी, ये हमारा फ्रेंड का लड़का है। हम गोधरा थे तब से हमको मुलाकात का उसको होता, उनका दीदार हो जाए, लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं पाए, मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। तो हम 150 किलोमीटर मुलाकात के लिए आए हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं से हमारी बात पहुँचाए और हमारे लिए दुआ करें। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको, श्याप भाई मुझे ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि पूरी कौम के लिए, उनको ये गुजरात वालों ने कितना प्यार मोहब्बत दिया है। आप दिखा सकते हो कि अभी होटल पे रुके हैं, जहाँ जहाँ भी आपने पूरा सूट किया है, लड़के बच्चे सब लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों से हर चीज से स्वागत कर रहे हैं, फूल सब देखे, और फिर भी क्या ये अच्छा है, अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, बस सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह के घर पे जा रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी ये है वो पैदल जा रहा है। एक ज़माने में लोग मीलों का सफ़र पैदल तय किया करते थे। सऊदी अरब से सटे इलाकों के लोग पैदल हज पर भी जाते, लेकिन आज ये इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर से इस दौर में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। तब भारत के एक नौजवान पैदल हज के सफ़र पर हैं। शिहाब चित्तूर, इस नाम से आज भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। इन्हीं शिहाब के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि 21वीं सदी में पैदल हज यात्रा कितनी जोखिम भरी है। शिहाब अभी राजस्थान के किस ज़िले में हैं? दोस्तों आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान स्थापित करने में हमारी मदद करें, ताकि समाज के ज़रूरी मुद्दों की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अब बात करते हैं शिहाब चित्तूर की पैदल हज यात्रा की। भारत के आखिरी छोर पर आबाद भारत के दक्षिण राज्य केरल के मलप्पुरम ज़िले के कोटकल के पास अठावनाड नामक इलाका है। शिहाब चित्तूर इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ से हज की दूरी कोई 8,640 किलोमीटर है। 2 जून को शिहाब चित्तूर यहीं से हज के सफ़र पर पैदल निकले थे। आज उन्हें कोई 60-61 दिन पैदल चलते हुए हो गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ट्रांसपोर्ट के लिए दुनिया भर के तमाम संसाधन मैसर हैं, छोटे छोटे शहरों से एयर कनेक्टिविटी है, तब शिहाब चित्तूर ने आखिर पैदल हज करने का फैसला क्यों किया है? जाहिर है कि आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठेगा।
लेकिन अगर इसे आप तमाम सवालों को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ नबी करीम से मोहब्बत के नज़रिए से देखेंगे तब शिहाब के जज्बे और हौसले की कद्र करेंगे, उनकी हिम्मत और फैसले को दाद देंगे। शिहाब कोई गरीब इंसान नहीं है, ना ही उनकी उम्र इतनी है कि हज करने के लिए पैसा नहीं जुटा सकते थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आर्थिक तौर पर काफ़ी सक्षम बनाया है। उनका अपना खुद का सुपरमार्केट है, अच्छी कमाई करते हैं, घर मकान सब कुछ शानदार है। उम्र भी महज 29 साल है, लेकिन इस सब के बावजूद इस नौजवान ने पैदल हज करने का जो फैसला लिया है वो भारतीय मुसलमानों के साथ आम लोगों के दिल को छू रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में हज यात्रा का खर्च लगभग 4 या 4.25 लाख के आसपास आता है। शिहाब का ये सफ़र लगभग साल भर का है। उन्होंने रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलने का शेड्यूल बनाया है। इस लिहाज से 8,640 किलोमीटर की उनकी यात्रा कोई 345 दिनों में पूरी होती है। अगले साल 2023 में वह हज अदा करेंगे, तो पूरे एक साल में उनका रोज़ाना का खर्च देखेंगे तो इसमें खाने पीने और ठहरने में काफ़ी खर्च आएगा। कुछ और भी खर्चे हैं इसके अलावा, भारत से पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब यानी पासिंग वीज़ा भी लेना पड़ा है, जिसमें काफ़ी रुपयों का खर्च आया होगा और मुश्किलें भी। एक तरह से हवाई यात्रा की तुलना में पैदल हज यात्रा में कहीं ज़्यादा खर्च आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात खर्चे की नहीं है बल्कि यकीदे की है, वो यकीदा और मोहब्बत जो दुनिया भर के मुसलमानों में है। यही वजह है कि शिहाब जब केरल से हज पर निकले तो उन्हें अपने हम वतन भाइयों से बेपनाह मोहब्बतें मिल रही हैं। शिहाब पिछले 60 दिनों में केरल से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर राजस्थान के उदयपुर में दाखिल हो चुके हैं। उदयपुर टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर शिहाब का ज़ोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले उनके स्वागत को लेकर राजस्थान पुलिस गुजरात पहुँची थी। केरल हो, गुजरात या राजस्थान, शिहाब को हर जगह पुलिस और प्रशासन का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एक तरह से उनका हर कदम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगे बढ़ रहा है, यानी विभिन्न राज्यों की पुलिस शिहाब के सफ़र की राह आसान बना रही है। ये सब मोहब्बत ही है जो शिहाब के हिस्से में आ रही है। शिहाब चित्तूर सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, धार्मिक, कॉरपोरेट या राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पैदल हज के सफ़र में जो इज्जत मिल रही है वो बेमिसाल है। चाहे वह पुलिस प्रशासन और सरकारों के स्तर पर हो या फिर आम लोगों के स्तर की, हर कोई इस नौजवान के जज्बे को सलाम कर रहा है। उनके साथ चंद कदम पैदल चलता है और यही मोहब्बतें शिहाब का सफ़र आसान बना रही हैं, उन्हें हिम्मत और हौसला भी दे रही हैं। शिहाब राजस्थान का सफ़र तय करने के बाद हरियाणा होकर पंजाब जाएंगे, जहां से बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होंगे। दोस्तों, शिहाब को लेकर भारत में जो क्रेज दिखाई दे रहा है वैसा ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहुंचने में अभी शिहाब को कम से कम 25 दिन और लग जाएंगे। चूँकि बरसात का मौसम है, गर्मी और बारिश दोनों सफ़र में थका देती है, लेकिन अगर तस्वीरों में आप शिहाब को देखेंगे तो उनके चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि ताजगी पाएंगे। रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलकर वो एक नई एनर्जी पाते हैं। चूँकि उन्हें देखने के लिए हज़ारों की भीड़ जुट रही है, तो सभी लोगों से
मुलाकात भी करते हैं और रास्ते में नमाज अदा करते हैं। उनके ठहरने को लेकर कोई समस्या नहीं है क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि शिहाब उनके घर में एक रात बिता लें। उनके स्वागत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिलों को सुकून देने वाली हैं, क्योंकि उनके वेलकम के लिए केवल मुस्लिम समाज के लोग ही पलके बिछाए खड़े नज़र नहीं आते हैं, बल्कि सभी समुदायों के लोग दिखाई देते हैं। चूँकि भारत अपनी गंगा जमनी तहजीब को लेकर दुनिया भर में पहचाना जाता है, तो इसकी झलक शिहाब की पैदल हज यात्रा में भी दिखाई दे रही है। भारत में 21वीं सदी में ऐसा नज़ारा शायद पहली बार है जब एक सामान्य इंसान को इस कदर मोहब्बतें मिल रही हैं, वो भी उनकी धार्मिक यात्रा के दरमियान। साथियों, हर मुसलमान की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज पर ज़रूर जाएं। पहले लोग पानी के जहाज़ के जरिए हज यात्रा पर जाया करते थे, अभी भी कई देशों के लोग पानी के जहाज़ से हज अदा करने जाते हैं। भारत से अब हवाई यात्रा के माध्यम से लोग मक्का और मदीना पहुंचते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के जिलहज्जा महीने में हज अदा होता है, जो 2-3 दिन पहले ही बीत चुका है। शिहाब जो हज करेंगे वो साल 2023 में करेंगे। अब बात करते हैं उनके हौसले की, आखिर उन्हें ये जज्बा कैसे मिला और शिहाब ने 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने की क्यों ठानी। दोस्तों, एक कहावत है कि जब इरादे चट्टान से मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, हर मंजिल आसान होने लगती है। नेक और मजबूत इरादा लेकर शिहाब केरल से मक्का के लिए निकल चुके हैं। शिहाब का कहना है कि उनकी इस यात्रा को लेकर उन्हें कई बार एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़े थे, क्योंकि वो कई देशों को पार करते हुए मक्का पहुंचेंगे। हालांकि मुश्किलें ज़रूर आईं, लेकिन रास्ता आसान होता गया और सभी देशों ने उन्हें अपने यहां से गुजरने की अनुमति दे दी। अपनी पैदल हज यात्रा को लेकर शिहाब ने बस इतना ही कहा है कि उनकी बचपन की ये तमन्ना थी कि एक बार पैदल हज करेंगे। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये ख्वाहिश भी बढ़ती गई, उम्र के साथ उनका इरादा और भी फौलादी हो गया और जून में अपने माँ बाप की दुआएं लेकर शिहाब हज के सफ़र के लिए निकल गए। घर से निकलते ही उनके हिस्से में लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं आने लगीं और 60-61 दिनों के उनकी यात्रा का आलम यह है कि आज हर कोई शिहाब चित्तूर के बारे में जानने को बेकरार है, उनकी पल पल की अपडेट ले रहा है कि वो कहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिहाब चित्तूर राजस्थान के सफ़र में हैं, जहाँ कई दिनों से उनका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। शिहाब राजस्थान पहुँच गए हैं और उन्हें देखने के लिए एक भारी हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा खुशनुमा मंज़र है जो फ़क्र अकीदत से तर नज़र आ रहा है। पुलिस एस्कॉर्ट में जब शिहाब चित्तूर आगे बढ़ रहे हैं, सायरन की आवाज़ें उनके बढ़ते कदमों के साथ लोगों को उत्साहित और एनर्जेटिक बना रही हैं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग सब शिहाब के सफ़र में हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। यहाँ तक कि जब वे गुजरात से राजस्थान की सीमा में एंट्री ले रहे थे तो नज़ारा देखने लायक था। बॉर्डर के दोनों तरफ स्थानीय अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ नज़ारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर का भी हो सकता है, जहां एक तरफ शिहाब को विदाई देने के लिए हज़ारों लोग खड़े होंगे तो दूसरी ओर उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान के आम लोग अपनी सरहद में उत्साहित नज़र आएंगे। एक आम इंसान जिसने अपनी मोहब्बत और अकीदत से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है और आज वो मुस्लिम जगत में चर्चा का केंद्र बने हैं। जो यहाँ से पैदल तशरीफ ले जा रहे हैं, मौला इनके सफर में कामयाबी अता फरमाए। इन पर आने वाली तमाम तकलीफें परेशानियों से इनकी हिफाजत।